हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। आज देखेंगे कॉमनवेल्थ पार्ट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कुछ और आपको चाहिए। कॉमनवेल्थ में भारत ने प्रथम बार कौन से सन में भाग लिया? आंसर है क 1934 लंदन इंग्लैंड। सुमेलित कीजिए। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था नई दिल्ली भारत में। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स मैनचेस्टर ब्रिटेन। तो इस टाइप से नेट वगैरह क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को कब शामिल किया गया? तो ये 1998 क्वालमपुर मलेशिया, आई थिंक इसको पिछले पार्ट में मैंने बताया था। चलिए एक आसान क्वेश्चन है, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहाँ आयोजित हुए? तो हैमिल्टन कनाडा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1934 लंदन इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये उनका पहला था, और पहले ही ओलंपिक में ये एक कांस्य ही बस प्राप्त हुआ था। भारत ने 1934 के बाद कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया? तो जानकारी के लिए ये ठीक रहेगा 1950, 1962 और 1986। ये आपके का आंसर जो है सही हो जाएगा। 1930 से 2010 तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितनी बार प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। कॉमनवेल्थ में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन सा है? तो इसको भी हो चुका है यशो पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या है? तो ये है आपका कम आउट एंड प्ले। कितने देशों ने 2010 कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया? तो 71 देशों ने लिया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट जो है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 6081 पार्टिसिपेंट्स थे। साइकिलिंग खेल में कितने डिसिप्लिन को शामिल किया गया? तो इसमें था रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग, क और ख दोनों होगा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में के उद्घाटन में राष्ट्रमंडल की मुख्य क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की अनुपस्थिति में उनकी जगह कौन आया? तो उसमें आया था आपका प्रिंस चार्ल्स, का आंसर होगा। जिम्नास्टिक के अंतर्गत कौन से डिसिप्लिन को शामिल किया गया? तो क ख दोनों हैं, आर्टिस्टिक एंड रिदमिक। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे अधिक मेडल कौन से खेलों में दिए गए? तो ये एक्वेटिक्स में दिया गया था। कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन इंग्लैंड में है। चलिए राष्ट्रमंडल से जुड़े अभी का लेटेस्ट देखते हैं। ये 21st कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था आपका, 71 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और 4 अप्रैल से ये 15 अप्रैल तक हुआ, ठीक है। 22वां जो है राष्ट्रमंडल खेल होगा आपका इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम में, ठीक है। इसका 21वां जो था उसका शुभंकर यानी मास्कोट था आपका बोरोबी, और मोटो शेयर द ड्रीम। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ओपनिंग फ्लैग जो हुआ था आपका पीवी सिंधु ने, और क्लोजिंग फ्लैग मैरी कॉम ने की थी। तो थोड़ा सा ऐसे टाइप वाइस टाइपिंग है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, चलिए फिर भी। इसके बाद देखेंगे आपका भारत ने इसमें 66 मेडल प्राप्त किए और थर्ड पोजीशन में रहे, जिसमें कि 26 गोल्ड और 20 सिल्वर और 20 कांस्य पदक थे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड रहे, और शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जो है 16 मेडल रहे, 7 गोल्ड थे। महत्वपूर्ण प्लेयर्स रहे मीराबाई चानू, फर्स्ट गोल्ड वेट लिफ्टर मणिपुर से हैं, और अविनाश भनवाल शूटिंग सबसे ज़्यादा युवा खिलाड़ी भी रहे। मनु भागर गोल्ड महिला युवा खिलाड़ी रहे, नीरज भाला फेंक में गोल्ड, मैरी कॉम गोल्ड, सुशील कुमार गोल्ड थर्ड टाइम, इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं ये, थर्ड टाइम इन्हें लगातार सुशील कुमार को गोल्ड मेडल मिला है, और साइना नेहवाल को भी गोल्ड मेडल मिला। मणिका बत्रा टीटी के प्लेयर रही और इसको भी गोल्ड मेडल मिला, जिसमें 4 महत्वपूर्ण मेडल के साथ जो है ये इम्पोर्टेंट रही।